प्रदेश में वंशावली एकेडमी फिर से शुरू होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं अखिल भारतीय धर्म जागरण सह प्रमुख अरुण कांत ने कहा कि पुराने काल से ही वंशावली की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है, लेकिन आज वंशावली लेखों में दूरियां बढ़ती जा रही है, जिसको हम सब मिलकर कम करने का प्रयास करेंगे। बाथेई कण के सभागार में आयोजित अखिल भारतीय वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्थान के कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर जुड़कर वंशावली को बेहतर करने का काम करना होगा, जिससे कि सभी लोगों को अपने वंश के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। अभी इस समय पूरे देश में 4200 वंशावली लिखने वाले वंश लेखकों के नामों की वंशावली दिग्दर्शिका संस्थान के पास है, जिसमें राजस्थान से सबसे अधिक 2500 वंश लेखकों का डाटा कलेक्शन है, लेकिन अभी पूरे देश के वंश लेखकों का डाटा संस्थान के पास नहीं है, जिसको एकत्रित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही सभी वंश लेखकों का डाटा संस्थान के पास उपलब्ध होगा। अरुण कांत ने कहा कि संघ के संस्थान अब 2 समारोह के माध्यम से देश भर के वंश लेखकों को एक साथ जोड़ने का काम करने जा रही है, जिससे वंश लेखकों को तथात्मक डेटा एक जगह एकत्रित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थान का स्थापना दिवस समारोह आगामी दिनों से जिले स्तर पर आयोजित होगा। इसके साथ ही सरस्वती पूजन कार्यक्रम बसंत पंचमी पर किया जाएगा। इन दोनों समारोह में वंश लेखकों को जोड़ने का काम होगा। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक कालीचरण शराफ ने कहा कि वंशावली लेखन का काम सतयुग द्वापर युग के बाद आज कलयुग में भी हो रहा है, और आज इसको डिजिटल माध्यम से जोड़ते हुए प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी वसुंधरा राजे की सरकार के समय वंशावली अकेडमी राजस्थान में खोली गई थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने द्वेषतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस अकेडमी को बंद कर दिया। अब मैं इसको फिर से शुरू करवाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर कार्य करूंगा। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही वंशावली अकेडमी राजस्थान में फिर से शुरू होगी। समारोह के विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि आज का युग डिजिटल का है, जिसका उपयोग वंशावलियों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। इससे डाटा सुरक्षित व लंबे समय तक रहेगा। बहियों और पोथियों में संरक्षित वंशावली का डाटा खराब होने का डर रहता है, जो दूर हो जाएगा। अखिल भारतीय वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमेश्वर ब्रह्मा भट्ट ने संस्थान के बारे में प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि वंशावली के माध्यम से हिंदू समाज को टूटने से बचाया जा सकता है, और यह काम संस्थान बखूबी निभा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को एक दूसरे से और अपनों से अपने को जोड़ने का काम किया जा रहा है। समारोह में अतिथियों ने वंशावली लेखन करने वाले सत्यनारायण जागा, नवरंगलाल जागा, महावीर सिंह, रूप सिंह, राव सिंह सहित वंशावली लेखकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मानक चंद और जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा का विशिष्ट सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के गांधीवादी विचार एवं शांति अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जनक सिंह मीणा ने अतिथियों को भारत के स्वातंत्र्य समर के जनजातीय नायकों की वीर गाथा नामक पुस्तक भेंट की। ये वंशावली संरक्षण संस्थान का आज स्थापना दिवस और सम्मान समारोह है। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान 2010 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और 2007 में कल्पना आई थी कि ये वंशावली क्या है। ये वंशावली अपनों को अपनों से जोड़ के चलती है, व्यक्ति को जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जो स्मृति में याद रखती है। ये सच्चा इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों का इतिहासकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित करके और वंशावली लिखने का काम किया है। आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की देन है। जब आक्रांता आए और उन्होंने जिस प्रकार का अत्याचार किया, उसके बाद भी इन्होंने अपनी लिपि को बदला और लिपि को बदल करके हमारे इतिहास को जिंदा रखा। इसलिए इनका मान और सम्मान जरूरी है। ये वंशावली संस्थान उसके लिए काम करता है। कितने लोगों का सम्मान होगा, कहां-कहां से लोग? केवल जयपुर महानगर के लोगों को बुलाया, जयपुर प्रांत से आएंगे लोग, करीब 300 लोग आएंगे, और हम इनमें से जो पूरा जीवन वंशावली को समर्पित किया है और अभी वो बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे 10 लोगों का सम्मान हम करेंगे। और ऐसे युवा जिन्होंने अपना जीवन अभी शुरू किया है और वो केवल वंशावली लेखन का ही काम कर रहे हैं,
ऐसे भी 10 लोगों का हम सम्मान करेंगे। शावली स्थापना दिवस के इस अवसर पर जो माननीय राम प्रसाद जी भाई साहब ने 2007 में इसकी स्थापना की और 2010 में इसका रजिस्ट्रेशन होकर और गुरु पूर्णिमा से इसका कैंपस शुभारंभ किया गया था। वंशावली हमारा पूर्वजों से चला हुआ अभियान है और मैं कहना चाहूँगा कि वंशावली को मैं जो लोग वंशावली का काम करते थे वो नए युवक नवयुवक उस वंशावली से थोड़े दूर हो गए। मैं परमेश्वर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वंशावली के लिए हमारे नवयुवकों को इससे जोड़ना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे पूर्वजों की हमारा इतिहास इसकी सारी जानकारी हमारे को रहे और निरंतर उसको एक गति मिले। मैं परमेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस वंशावली स्थापना दिवस को मनाकर और नई प्रेरणा देने का काम नवयुवकों को नई प्रेरणा देने का जो वंशावली लेखन का काम करते हैं उनको नई प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बात का पूरा ध्यान रहेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वंशावली लेखन के जितने भी लोग हैं उनके हमेशा मदद करती आई है और जहाँ तक मेरे को ध्यान में है और कोई दिक्कत हो परमेश्वर जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये बताएंगे तो सरकार से बात करके जो समस्या है उसको भी और आगे गति प्रदान करें।